2 दशक बिताए पीहर में, दो गए पिया घर आए हुए। जब तक ना दर्द हो लफ्जों में, न बनती बात बताए हुए। जब तक ना दर्द हो लफ्जों में, न बनती बात बताए हुए। दो आंसू पीले आंखों में, दो दिए यूं ही छलकाए हुए। 2 दशक बिताए पीहर में, दो गए पिया घर आए हुए। 2 दशक बिताए पीहर में, दो गए पिया घर आए हुए। मन में थी लगन माँ के घर की, निस्वार्थ प्यार के उस दर की। जहां बचपन मेरा खेला था, जहां एक जगत अलबेला था। जिसमें थी बसी बचपन की चहक, आई थी जहां जोवन में महक। कितने ही खेल थे खेले वहां, कितने ही पाठ पड़े थे जहां। कई दिन बीते कुछ सीखे हुए, कई बीते कुछ सिखलाए हुए। 2 दशक बिताए पीहर में, दो गए पिया घर आए हुए। 2 दशक बिताए पीहर में, दो गए पिया घर आए हुए। पापा के प्यार ने सींचा मुझे, माँ के लाडों ने बिगाड़ा था। पापा के प्यार ने सींचा मुझे, माँ के लाडों ने बिगाड़ा था। भाई बहनों के प्यार में ही संसार बसा मेरा सारा था। दादा दादी की लाडली थी, मामा की गोद में खेली थी। मौसी का प्यार पाने को घर में मैं लड़की अकेली थी। बीता था बचपन बस यूं ही, हंसते गाते मुस्काए हुए। 2 दशक बिताए पीहर में, दो गए पिया घर आए हुए। 2 दशक बिताए पीहर में, दो गए पिया घर आए हुए। जब बड़ी हुई समझाया गया, अब समय तुम्हारा आया है। जब बड़ी हुई समझाया गया, अब समय तुम्हारा आया है। अब ढूंढना तुमको घर एक नया, पीहर से होना पर आया है। जाकर उस घर की अब तुमको संभालनी है बस डोर यूं ही। जैसे इस घर में रहती थी, रहना है तुमको वैसे वही। तब से मैं आकर यहां बसे, अपना अस्तित्व भुलाए हुए। 2 दशक बिताए पीहर में, दो गए पिया घर आए हुए। 2 दशक बिताए पीहर में, दो गए पिया घर आए हुए। सोचा था आके पी के घर, संसार नया एक पाऊंगी। सोचा था आके पी के घर, संसार नया एक पाऊंगी। बस भूल के अपने पीहर को, वही प्यार यहां पर पाऊंगी। अनजान थी जद की रस्मों से, इन बातों से अनभिज्ञ थी मैं। ये घर भी तो था मेरा नहीं, पर फिर भी यहाँ अडिग थी मैं। जब नींद खुली तो ये जाना, थी ख्वाब में झूठे सजाए हुए। 2 दशक बिताए पीहर में, दो गए पिया घर आए हुए। 2 दशक बिताए पीहर में, दो गए पिया घर आए हुए। अब दोराहे पे खड़ी होकर मैं मुड़कर देखा करती हूँ। अब दोराहे पे खड़ी होकर मैं मुड़कर देखा करती हूँ। क्या क्या हूँ पीछे छोड़ आई, मैं अक्सर सोचा करती हूँ। जो काम अधूरे छोड़ दिए मुझे उनको पूरा करना है। जो काम अधूरे छोड़ दिए मुझे उनको पूरा करना है। जो कदम उठे पर बड़े नहीं, उन्हें मंजिल पार उतरना है। संग लेकर चलना है अपनी जिम्मेदारियों को निभाए हुए। 2 दशक बिताए पीहर में, दो गए पिया घर आए हुए। 2 दशक बिताए पीहर में, दो गए पिया घर आए हुए। थैंक यू। वेरी गुड मंदिर जी, बहुत अच्छे। और मैंने ये आपकी पोएट्री सुनी हुई है, आई हैव सीन दिस वीडियो। आपने हाँ, ये YouTube पे रिलीज हुई थी। यस यस यस, मैंने पहले सुना हुआ है। बहुत अच्छा, टू गुड। आपकी वो लास्ट की मेरे को तो अभी पंजाबी पोएट्री बहुत याद आ रही है। जी, वो तो रिसेंट लिखी है मैंने। ये वाली जो पोएम है, ये मेरी बुक में है, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई है। जी जी, बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया। नीलू जी, बहुत खूब। मंदीप जी, टाइटल और ये जो 2 लाइंस आपने ली हैं, 2 दशक बिताए, 20 इयर्स, माय गॉड, सो लाइक ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमोशंस ऑफ अ वुमेन, एंड वी ऑल कैन रिलेट टू इट। और हम एक रिस्पॉन्सिबल बेटी भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल बहू भी होते हैं। वी कैरी द रेपुटेशन ऑफ बोथ द फैमिलीज ऑन आवर शोल्डर्स। तो I liked it a lot. Very well done. Thank you. Aparna? बहुत ही अच्छा था। I really enjoyed it. आपकी हिंदी पोएट्री तो मैं पहली बार ही सुन रही हूँ, और ये भी बहुत ही मतलब अलग ही फ्लेवर का है जो पिछले बार का था। एंड वाइल आई हैव नॉट हैड द एक्सपीरियंस जो आपने बात किया, बट इट्स सो यूनिवर्सल दैट
एंड इट मेक्स सो मच सेंस टू ऑल ऑफ अस. मुझे बहुत ही अच्छा लगा, स्पेशली आपके मतलब जो आपने एक मुखड़ा सा बनाया हुआ है जो जिसपे जो लेट मोटिफ बोलते हैं जिसको हम लोग, वो बहुत ही बहुत पावरफुल था. सो आई थैंक यू रियली सो मच, एंजॉय इट. थैंक यू पार्टनर। सौरभ, बहुत अच्छा लगा, आपकी 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 कविता बहुत अच्छी लगी मुझे, और खास करके आपने इतने सिंपल सिंपल शब्दों को इतने अच्छे तरीके से जाकर बोला, एंड थैंक यू सो मतलब मच. कोई एफर्टलेसली कुछ करना ही नहीं था, बस सुनना था, कोई एफर्ट ही नहीं लगाना था इसको समझने में, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. आशुतोष, मैम पोइट्री बहुत ही अच्छी थी, और थैंक यू. आप एक तो सबसे अच्छा आपने ये काम किया कि गाना छोड़कर पोइट्री को बोला, क्योंकि ये मिस नहीं कर सकते थे हम लोग. गाना तो आपका सुन लेंगे हम लोग, बट ये मिस नहीं कर सकते थे. और इसमें उतना ही मतलब उतनी ही प्यारी थी जितनी जो पंजाबी थी आपकी, पंजाबी पोइट्री. और सबसे अच्छा ये लगता है जब पोइट्री में एक छोटा छोटी सी रिदम होती है, दो दशक बिताए बिताए थे. पीहर में, दो हुए पिया घर आए हुए. तो ये जो रिदम होती है जिसके साथ आप लिखते हो, उसको जमाते हो, और उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ड्स को चूज करते हो, बहुत अच्छा लगता है. और आपने बहुत पूरी की पूरी अच्छी पोइट्री आपकी. थैंक यू सो मच, थैंक यू आशुतोष. थैंक यू मंदिर जी, थैंक यू सो मच।